Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying Accounting for Partnership Firms. And the chapter is on fundamentals and the concept is on salary or commission to partners. Yeah, dono pay kar rahe hain, ek pay kar rahe hain, mixed pay kar rahe hain. Question hai, X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of, agar de mein rakha hai, toh it is 1:1. To isme क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है. एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फार्म. एक्स इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, कमीशन ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग वाइज कमीशन, ही इज गेटिंग ए पर्टिकुलर कमीशन ऑफ 10%. तो क्वेश्चन आप अच्छी तरह पढ़ो और क्वेश्चन में लास्ट में दे रखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 4,20,000. तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आप अच्छी तरह क्वेश्चन पढ़ो, देन आई विल टेल यू. इसमें पहले सैलरी चार्ज कर दो, टू सैलरी. सैलरी में एक्स का सैलरी दे रखा है क्वेश्चन में. एक्स इज टू गेट ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000. एंड वाई इज टू गेट ए कमीशन सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम. वाई इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, वाई का पर ईयर, इसका पर मंथ है 10,000, तो ईयरली सैलरी है 1,20,000 और इसका पर ईयर का सैलरी 25,000 वाई का. तो हमें पूरे साल का लिखना है, तो 1,45,000 हो गया. एंड कमीशन चार्ज करेंगे. कमीशन एक्स का है, ध्यान से पढ़ो, मैं आपको समझा भी दूंगा. एक्स इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 10%. एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% आफ्टर चार्जिंग 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन. आफ्टर पार्टनर सैलरी, एक्स इज टू गेट ए कमीशन ऑफ 10% आफ्टर पार्टनर सैलरी 4,20,000 से. दोनों पार्टनर का सैलरीज है 1,45,000, तो 4,40,000 से 1,45,000 माइनस करके जो आएगा उसका 10%. एंड वाई का बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो मेरे साथ. वाई इज टू एंटाइटल टू ए सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम पर ईयर एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरीज. तो वाई का क्या होगा ना, आफ्टर चार्जिंग 4,20,000 से आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज एंड ऑल कमीशन, यानी एक्स का कमीशन ये चार्ज कर दिया एक्स का, इसको चार्ज करने के बाद जो आएगा वाई का कमीशन चार्ज करने के बाद 10%, यानी 10/110, तो आएगा 22,500. मेरे कहने का मतलब ये पूरे लाइन से अगर 22,500 हम माइनस करेंगे जो आएगा वो आएगा 2,25,000, उसका 10/100 22,500 जो आपको समझाया था. तो कमीशन ही आ गया 50,000. तो नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट. 4,20,000 को आप डेबिट साइड में लिखो, इसको क्रेडिट साइड में टोटल में लिखो, डेबिट साइड में इसको नोट डाउन करो और इससे 1,95,000 माइनस करो, तो आपके प्रॉफिट आएगा 2,25,000. रेशियो नहीं है तो 1:1 प्रॉफिट ट्रांसफर, एक्स का हाफ वाई का हाफ. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर. आप इसमें आफ्टर चार्जिंग बिफोर चार्जिंग आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा ताकि आपको पूरा पता चले कि इसमें बोल क्या रहा है करने के लिए. तो वही बात है, व्हेन ए प्रॉब्लम इज वेल अंडरस्टूड इट इज हाफ सॉल्व. क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.